स्टार्ट। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने व्यस्त समय तथा कीमती समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला और इस सम्मेलन में आकर हमारे साथियों और अधिकारियों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए हमें उनके बहुत आभारी हैं। गृह राज्य मंत्री जी के स्वागत भाषण के बाद प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ मत से और विश्वास भरे शब्दों में सम्मेलन में आए सभी अधिकारियों को संबोधित किया। संक्षेप में उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी को सबसे अधिक लोग समझते और बोलते हैं, इसलिए हिंदी को हमने राजभाषा बनाने के लिए चुना है। यही नहीं, हिंदी का अपना एक इतिहास भी है और हमारी यह कोशिश रहेगी कि देश में सब लोग हिंदी बोलने समझने लगें। इस दिशा में काफ़ी काम भी हुआ है, लेकिन जैसा कि अभी गृह मंत्री जी ने कहा कि जिस गति और जिस तेजी से काम होना चाहिए वह शायद नहीं हो पाया है। अभी हमारे गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ मुद्दे उठाए थे, उनमें एक मुद्दा जो सामने उभर कर आया है कि अभी तक सरकार का काम उचित मात्रा में हिंदी में नहीं हो पा रहा है, जबकि जो आंकड़े पेश किए जाते हैं उसके हिसाब से लगभग सभी विभागों में एक बड़ी संख्या में कर्मचारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखते हैं। हमें यह सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि लोग हिंदी समझते हैं तो हिंदी में काम क्यों नहीं हो रहा है। अवश्य हमारे आंकड़ों में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। यदि वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में लोग हिंदी अच्छी तरह से समझते हैं तो कोई कारण नहीं मैं काम ना हो। यदि हिंदी का प्रचार करना है और हिंदी में काम होना है तो हमें अच्छी तरह से हिंदी की जानकारी करनी होगी। हमें यह भी सोचना होगा कि हम किस कारण से इस दिशा में पीछे रह गए हैं, कहां पर हमने ध्यान नहीं दिया और उसे ठीक करने के उपाय भी सोचने होंगे। पैराग्राफ चेंज। हिंदी का प्रचार करते हुए हमें यह भी सोचना होगा कि दूसरी भाषा बोलने वालों को यह बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर हिंदी को जबरदस्ती लादा जा रहा है, क्योंकि हिंदी उन्हें यह लगा तो वे विरोध करेंगे। जो काम हम प्यार से और समझाकर कर सकते हैं वह जबरदस्ती करने से नहीं हो पाएगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ कर ही हमें हिंदी का प्रचार करना है। साथ साथ हमें यह भी देखना है कि भारत जैसे बड़े देश में जिसमें इतनी भाषाएं बोली जाती हैं वहां यह भी जरूरी है कि एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे सब लोग समझ सकें और जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध करे।
हमने इसके लिए हिंदी को ही चुना है। हमारा विश्वास है कि हिंदी केवल भारत की राजभाषा ही नहीं होगी, बल्कि एक दिन यह विश्व भाषा होगी। स्टॉप।